7 मई को आप सब लोग के नीट एग्जाम्स और इस टाइम जो टाइम पीरियड है खुशी से पता नहीं रहे जैसे आपको एग्जाम्पल समझिए अगर मैं आपको ये कहूँगी आपको चैप्टर पढ़ना है और उसके लिए क्वेश्चन सबसे नहीं क्वेश्चन अगर आपने क्वेश्चन गलत किए करने पर भरोसा कि नहीं मुझे बस करना है कि कोई कि नहीं बस मुझे करना है अब मुझे करना नहीं है अभी अब मुझे इतना बस मुझे करना है होता है कि आपका एक से डेढ़ घंटे दो घंटे कभी कर जाते हैं इसलिए प्लीज ये चीज आप मत करो आप अभी आपको आपकी एक मिनट एग्जाम होना चाहिए लोगों के लिए काम करेंगे चीज़ें आप टेंशन के बेटे तो आप जब ये सोच के करोगे ना तो हमेशा फोकस होकर काम करोगे तो बस एक चीज करेंगे नहीं मुझे कुछ नहीं सोचना मुझे बस एक चीज मेरा लक्ष्य है साथ में मेरा बेटा बेस्ट से बेस्ट हो जाइए आपको ना हेलो बच्चों मैं शिवानी वेलकम टू वाइटल इन्फो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 7 मई को आप सब लोगों के नीट का एग्ज़ाम्स है और इस टाइम जो टाइम पीरियड है जैसे अभी मुश्किल से 15 दिन रह रहे होंगे इस टाइम पीरियड में अपने आप को मोटिवेटेड रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। हर दिन ऐसा लगता है कि होगा नहीं होगा क्या होगा रिजल्ट कैसा आएगा अगर ख़राब आया तो लोग क्या कहेंगे परिवार वाले क्या कहेंगे तो इन सब डर से अपने आप को कैसे दूर रखना है और अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखना है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल समझिए कि अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको एक चैप्टर पढ़ना है और उसके मैं क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगी कि नहीं उसके क्वेश्चंस बताओ अगर आपने क्वेश्चंस गलत किए तो मैं आपकी जान ले लूँगी लेकिन अगर आपने क्वेश्चन सही किए तो आप इसमें पास आउट हो जाओगे और फिर मैं आपको बोलूँ आप पढ़ो तो क्या आप पढ़ सकते हो नहीं क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ऑल टाइम में प्रेशर चढ़ेगा कि अगर मुझसे नहीं हुआ तो क्या मेरी जान चली जाएगी नहीं हुआ तो क्या होगा आप इस प्रेशर के साथ में कभी पढ़ ही नहीं सकते हो अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं तो इसलिए जब आप तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये प्रेशर अपने दिमाग में नहीं रखना है कि आगे जाके क्या होगा अगर आपको आपकी मेहनत पे भरोसा है अगर आपने 100% अपना अच्छा दिया है 100% आपने अपनी मेहनत करी है पूरी लगन के साथ में पूरी ईमानदारी के साथ में तो बस अपने आप पर भरोसा रखना है लाइफ के अंदर कि जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ये एक एग्जाम आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करता है ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। आप बस 24 घंटे ये कि फैमिली क्या कहेगी परिवार वाले क्या कहेंगे फ्रेंड्स क्या कहेंगे मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ क्या होगा मेरा इस सब प्रेशर के साथ में आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक टाइम के लिए अपना ये प्रेशर हटाना पड़ेगा तो इसीलिए अपने इस प्रेशर को कम करो और अपने आप को बस कि मैं जो करूँगा जैसा भी करूँगा बस मैं अपना 100% दूंगा आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ये चीज़ जब आपके मन में आ जाएगी तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। आपकी प्लानिंग आप ध्यान में रखो कि अब लास्ट 15 डेज रहे हैं तो वो टाइम नहीं रहा कि अब मैं वापस किताबें खोल के पूरी थ्योरी पढ़ने में लगाऊं। अब आप PYQs कीजिए क्वेश्चंस देखिए फिजिक्स के अंदर फॉर्मूलाज याद कीजिए केमिस्ट्री के रिएक्शंस याद कीजिए रिएक्शंस के जो शॉर्ट्स नोट्स आपने बनाए हुए जहाँ से शॉर्ट नोट्स होते हैं उन चीज़ों को पढ़िए बायो में डायग्राम्स NCERTs जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं NCERT के SAT डायग्राम उठ के आते हैं आप वो पार्ट देखिए। अब वो टाइम नहीं रहा है इन 15 दिन में कि आप वापस से आपके बुक्स उठाएंगे और सारी थ्योरी को रटने के लिए बैठेंगे इतना टाइम नहीं है अब आप लोग के पास। पुराने 5 या 6 सालों के पेपर सॉल्व कीजिए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको एक प्रॉपर जैसे सुबह आज उठे तो आज मुझे ये चीज करनी है डेट्स इट करनी है तो आपको क्या जब वो टास्क आप कंप्लीट हो जाएगा तो आप अपने आप को बहुत मोटिवेटेड फील करेंगे कि नहीं आज मैंने जो चीज सोची थी वो कंप्लीट आपको अपने आप मोटिवेशन आएगा काम करने का। इस चीज़ को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिए तो अपने आप को स्टे मोटिवेटेड रखिए। प्लानिंग के साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अगर कोई ऑनलाइन मान लो कोई कोर्स ले रखा है आप ऑनलाइन कुछ वीडियोस देख रहे हैं बीच में मैसेज आया मैसेज करने चले जाते हैं। आधे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पढ़ते कम हैं और अपना मूड फ्रेश ज़्यादा करने के लिए जाते हैं कि लो मेरे को डिप्रेशन आ रहा है मुझे मूड फ्रेश करने के लिए जाना है वाह मैं थोड़ी देर फ़ोन चला लेता हूँ थोड़ा मूड फ्रेश कर लेता हूँ। बेटा ये आप अपने आप को भी पागल बना रहे हो और आपके पेरेंट्स को भी पागल बना रहे हो पूरी दुनिया को भी पागल बना रहे हो तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। आपको प्रॉपर आपके डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको पता होना चाहिए कि नहीं मेरा एक एक मिनट लाइफ में कहाँ जा रहा है आपको अपने एक एक टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए तब जाके आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। आपको पता ही नहीं चलता आपके आधा घंटा फोन पे कब निकल जाता है आपको किसी का मैसेज आ गया फटाफट देखने चले जाते हो चाहे आप कितना ही इंपॉर्टेंट पार्ट देख रहे हो। प्लीज़ अपने टाइम बहुत प्रीशियस होता है आपका टाइम अगर आपने आपके टाइम की वैल्यू नहीं करी तो दुनिया आपके टाइम की वैल्यू नहीं करेगी। आपको पता होना चाहिए आपका टाइम कहाँ जा रहा है आपका 24 घंटे में से एक एक मिनट पता होना चाहिए कि आपका एक एक मिनट कहाँ जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि वो स्ट्रेस में अपनी जैसे जो मेंटल हेल्थ होती है फिजिकल उनसे बहुत लड़ते तो अब इस टाइम अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। आप अच्छा खाएंगे आप थोड़ी सुबह उठ के फिजिकल एक्सरसाइज करिए तो आप अपने आप ही बॉडी के अंदर एक चेंज महसूस करेंगे जिससे आप मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि जब तक किसी की फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती ना वो अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं कर सकता है।
तो सबसे पहले ज़रूरी ये बात है कि आप अच्छा खाइए, अच्छा एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, सुबह सुबह थोड़ा वॉक वगैरह कीजिए, जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे, उसके साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और दूसरी बात, जो चीज़ की बस करने पे भरोसा रखो कि नहीं मुझे बस करना है, कीप गोइंग कि नहीं बस मुझे करना है, अब मुझे रुकना नहीं है, कभी अब मुझे नहीं रुकना, अब बस मुझे करना है, दैट्स इट। अब मैं इस लास्ट मोमेंट पे आके हार नहीं मान सकता कि नहीं अब मैं हार जाऊंगा, कि अब मुझसे होगा नहीं होगा, अब मैं लास्ट मोमेंट पे आके हार नहीं सकता हूँ, बस करना है, दैट्स इट, और बस करते रहना है। एक बहुत अच्छा कोट है, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। जब तक ना कर लो तब तक रुकना नहीं है, चाहे आप थक जाओ। तो बस करते रहो, अपना बेस्ट दो, 100% दो, अपनी ईमानदारी के साथ दो पूरा, आप सच में बहुत अच्छा करेंगे। अपने आप पे बिलीव रखिए, अपने टाइम को प्लीज़ वेस्ट मत कीजिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, अपनी फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए, लाइफ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा करेंगे।